वहीं 2024 लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी के राज्य प्रभारी की एक अहम बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा की अगुवाई में ये बैठक होगी। संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इसमें शामिल रहेंगे और बैठक में उन राज्यों पर फोकस रहेगा जिनमें बीजेपी का की हालत ठीक नहीं है। हाल ही में कई राज्यों में नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और ये प्रभारी अपने राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं। जेडीयू के साथ गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी अपने दम पर चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं दक्षिण भारत में भी कई राज्य ऐसे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी दौरे पर अमेरिका को आड़े हाथ लिया और पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते पर उसे खूब खरी खरी सुनाई। इसी महीने की शुरुआत में अमेरिका ने आतंकवाद से निपटने के नाम पर पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के लिए पैकेज देने का ऐलान किया था। भारत को इस डील पर सख्त एतराज है और वो इस बारे में अमेरिका से नाराजगी भी जाहिर कर चुका है। लेकिन जब अमेरिका नहीं माना तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी उसे आईना दिखा दिया। उन्होंने वॉशिंगटन DC में हुए एक कार्यक्रम में दो टूक कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद से आतंकवाद से दो दो हाथ करने का दावा करके किसी को बेवकूफ न बनाए। असल में F-16 चौथी पीढ़ी का एक बेहद ताकतवर मल्टी रोल लड़ाकू विमान है और कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में लगभग 3,600 करोड़ रुपए की पैकेज डील की है, जिसके तहत पाकिस्तान के पास मौजूद अमेरिकी फाइटर जेट के पुराने होते F-16 के बेड़े को मेंटेन और अपग्रेड किया जाएगा। जिसके पीछे अमेरिका ने यह दलील दी कि उसके पाकिस्तान को दिए F-16 लड़ाकू विमान काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए हैं। ऐसे में उन्हें कल पुर्जे और सर्विस मुहैया कराकर आतंकवाद को रोकने में मदद मिलेगी।